दिन से भोपाल और विदिशा में भारी बारिश हो रही है। इससे बेतवा नदी में उफान आ गया है। बेतवा स्थानीय गंज और बर्रीघाट पुल के ऊपर करीब 2 से 3 फीट तक पानी है। गुरुवार को इसी तेज बहाव में बाइक पर सवार भाई बहन गिर गए। बहन सोनम दांगी बह गई, लेकिन उसने मौत के सामने घुटने नहीं टेके, लड़ती रही। 12 घंटे तक संघर्ष किया। अपनी बहन को नदी में बहता देख भाई ने छलांग लगाई, लेकिन बहाव तेज देख जैसे तैसे वह बाहर आया। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। प्रशासन ने 4 बोट की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बहन का कोई पता नहीं लगा। रात 2 बजे सूचना मिली कि कोई महिला गंज के निर्माणाधीन पुल के पास दिख रही है, लेकिन बारिश और तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह चलाने का फैसला किया गया। सुबह 5 बजे बोट भेजी गई। सोनम ने राजखेड़ा में ही भाई कल्लू को राखी बांधी। इसके बाद उसे कुरवाई के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने हाइपोथर्मिया की जाँच के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। अब सोनम भाई के घर ग्राम पड़रिया में है।